सॉल्यूशन ऑफ एक्सिवर मा चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है फिगर 3E6 शोज एक्सटी ग्राफ, यानी कहता है एक फिगर है 3E6 जो दिखाता है किसे, एक्सटी ग्राफ को। एक्स का मतलब जो यहां पर हुआ ये पोजीशन हुआ, और यहां जो टी टाइम है यानी पोजीशन टाइम ग्राफ को दिखाना है। तो पोजीशन और टाइम में से पोजीशन वाई एक्सिस पर रहेगा क्योंकि पोजीशन डिराइव्ड क्वांटिटी है और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए टाइम एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, यानी इस वाले एक्सिस पर, ये जो एक्स एक्सिस हम लोगों का है इस एक्सिस पर टाइम को रख दिया जाएगा। ठीक, फिर कहा था फाइंड द टाइम टी सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 0 to t इज 0। ठीक, यानी इस पीरियड में हमको, यानी यहाँ पर क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलिए, तो t बराबर 0 पर कहता है, तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ पर t बराबर 0 है जहाँ पे इसकी ओरिजिन है, तो इस जगह पे आपको तो पता है कि जहाँ ओरिजिन होता है वहाँ पर 0, 0 का कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका मतलब x एक्सिस, यानी ये पहले आप लिखते हैं ये x एक्सिस कॉमा y एक्सिस, यानी ये जो वैल्यू x के ऊपर है ये x के लिए है, और ये जो वैल्यू y के ऊपर है ये y के लिए, यानी x कॉमा y कोऑर्डिनेट है। तो टाइम इक्वल टू 0, टाइम किस पे, x एक्सिस पे है। तो टाइम जब 0 है तो इसी 0 t बराबर 0 टाइम पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी पोजीशन कितना हो जाएगा, तो 0 पर y की वैल्यू 0, और इसी 0 पर ये 10 भी लाई कर रहा है और इसी 0 पर ये 20 भी लाई कर रहा है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ एवरेज वेलोसिटी की बातें किसके समय में, तो बच्चों अगर मैं ये बात करूँ कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट टी इक्वल टू 0, और s कितना दिया हुआ, पोजीशन कितना दिया हुआ है डिस्टेंसेस का, 20 मीटर। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सो फॉर टाइम इंटरवल 0 to 12 सेकेंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो 0 है, कितना है वो 0 है, 0 to 12 सेकेंड, मतलब यहाँ 0 से लेकर के और 12 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो 0 है। तो इसीलिए कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, तो अगर मैं इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँ तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिखा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आपको तो पता है 0 to 12 सेकेंड में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो 0 आया, डिस्प्लेसमेंट का चेंज 0, टाइम का वैल्यू चाहे जो भी रहे जब 0 में टाइम को रखिएगा, 0 बाई टाइम रखिएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। यानी एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आई आपके सामने वो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए अगर आपसे पूछे कि आपने टाइम कितना रखा, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस द टाइम, यानी जो टाइम की वैल्यू आपने रखी है, हेंस द टाइम इज 12 सेकेंड, यानी ये 12 सेकेंड पर ही आंसर आया है। और 12 सेकेंड पे 0 कैसे हुआ, तो देखो बच्चों ये यहाँ पर 10 है और ये आगे जो 11, 12, 13 ऐसे नहीं बने, तो ये देखिए यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब 0 हम ले लिए, दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11।